खबर शिवपुरी से है, जहां शिवपुरी में 17 जुलाई 2024 को करेरा थाने ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 115 ग्राम स्मैक के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि थाना करेरा पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति गणेश मंदिर महुआ नदी के किनारे मोटरसाइकिल से स्मैक बेचने के लिए आ रहे हैं। इसकी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी द्वारा मुखबिर की सूचना की तस्दीक करते हुए बताए गए हुलिये के दो व्यक्ति बैठे देखे, जो कि पुलिस को आता देखकर भागने लगे, जिन्हें हमराह बल की मदद से पकड़ लिया गया। घेराबंदी की गई। दोनों व्यक्तियों के नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम रविंद्र उर्फ और साथ ही में दूसरे ने रावत अपना नाम बताया। रिपीट, पहले ने अपना नाम रविंद्र उर्फ तो रावत और दूसरे का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जयसिंह उर्फ पटाई रावत रमकड़ा थाना करेरा जिला शिवपुरी का होना बताया, और जब उनकी तलाशी ली तो आरोपी देवेंद्र रावत के कब्जे से 115 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक, जिसकी कुल कीमत 22 लाख रुपए, और दूसरे आरोपी जयसिंह रावत के पास से एक इलेक्ट्रॉनिक तोल काटा जिसकी कीमत 2000 रुपए मिले हैं, जिनको जब्त कर दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। थाना करेरा को स्मैक के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। करेरा थाना की टीम ने दो तस्करों को पकड़ा है, जिनसे 115 ग्राम स्मैक जब्त करी गई है। स्मैक का बाजार मूल्य लगभग 23 लाख रुपए है। ये तस्कर 12 से लेके आते थे स्मैक को, बाद में छोटे छोटे पार्ट्स में इसको यहाँ बेचने की इनकी योजना थी। ये तस्कर पकड़े गए हैं, उनका नाम रविंद्र रावत और जयसिंह रावत है। दोनों ही रमगढ़ा थाना करेरा के रहने वाले हैं। इसमें रविंद्र रावत के खिलाफ 6 अपराध पंजीबद्ध है। बहुत बड़ी ये कार्रवाई है। कुछ दिन पहले ही करेरा पुलिस ने 50 ग्राम स्मैक भी पकड़ी थी, तो हम देखें तो पिछले 15 दिन में लगभग 165 ग्राम स्मैक करेरा टीम द्वारा पकड़ी जा चुकी है। क्योंकि छोटी छोटी स्मैक की कार्रवाई होती रहती है, और तब तक हम पूरा सफल नहीं हो सकते जब तक हम सप्लायर्स पे कार्रवाई नहीं करें। तो ये कार्रवाई एक सप्लायर के विरुद्ध थी, और हमें विश्वसनीय सूचना मिले इसको दृष्टिगत रखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोग जारी कर रहे हैं, 70491-23434। प्रेस नोट पर भी ये लिखा है, किसी भी व्यक्ति के पास में अवैध ड्रग्स के खरीदने की, बेचने की या सेवन करने की कोई भी सूचना हो तो इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप से या SMS से वो सूचना दे सकते हैं। ये नंबर डायरेक्टली मेरे ऑफिस में मेरी विश्वसनीय टीम की निगरानी में रहेगा। सूचना देने वाले का नाम पूर्णतया गोपनीय रखा जाएगा, और यदि सूचना सही पाई जाती है और हमको सीजर करने में सफल हो जाते हैं तो उसमें 10,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड भी सूचना देने वाले को आवश्यक रूप से दिया जाएगा। सर, इसमें जो कीमत कितनी है? लगभग 23 लाख रुपए है। इस साल जो टोटल कार्रवाइयां हुई है, एक प्रेस नोट हमने उसका भी जारी किया। मोनू नामदेव की रिपोर्ट।